हंस और मूर्ख कछुआ की कहानी। एक जंगल के बीचों बीच एक तालाब था, जहां जानवर आकर अपनी प्यास बुझाया करते। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहा करता था। वह फालतू की बातें बहुत करता, इसलिए सभी जानवरों ने उसका नाम बातूनी कछुआ रख दिया। लेकिन दो हंस उसके बहुत अच्छे दोस्त थे, जो हमेशा उसका भला चाहते थे। एक बार गर्मी के मौसम में तालाब का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। जानवर पानी पीने के लिए तरसने लगे। ये देखकर हंसों ने कछुआ से कहा कि इस तालाब का पानी कम हो रहा है और हो सकता है कि ये बहुत जल्दी सूख जाए। तुम्हें ये तालाब छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। इस पर कछुआ ने कहा, मैं ये तालाब छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, और यहाँ आसपास कोई तालाब नहीं है। लेकिन हंस अपने दोस्त का भला चाहते थे। उन्होंने अपने दोस्त की मदद करने के लिए खूब सोचा और एक तरकीब निकाली। दोनों हंसों ने कहा, हम एक लकड़ी लेकर आते हैं, तुम अपने मुंह से बीच में से पकड़ लेना और लकड़ी का एक एक सिरा हम दोनों पकड़कर तुम्हें यहाँ से दूर एक बड़े तालाब में ले जाएंगे। उस तालाब में बहुत सारा पानी है और वो कभी नहीं सूखता। कछुआ उनकी बात मान गया और हंसों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। उड़ने से पहले हंसों ने उसे चेतावनी दी कि वह रास्ते में कुछ भी ना बोले। जब हम बड़े तालाब पर पहुंच जाएंगे तभी तुम कुछ बोलना, नहीं तो तुम नीचे गिर जाओगे। कछुआ ने हाँ में उतर दिया और लकड़ी को पकड़ लिया। वो दोनों हंस लकड़ी को पकड़कर उड़ चले। वो उड़ते उड़ते एक गांव के ऊपर से निकले। गांव वालों ने ऐसा पहली बार देखा था, सभी तालियां बजाने लगे। ये देखकर कछुआ से रहा नहीं गया और बोला कि नीचे क्या हो रहा है। जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वो नीचे गिर गया। ऊंचाई से गिरने की वजह से वह कछुआ मर गया और वह हंस अफसोस करते हुए वहां से चले गए। हमें बिना वजह और बिना मतलब के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा करने से हमारा ही नुकसान होता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।